सक्सेसफुली। सबसे पहले हम ओवरलैपिंग डिज़ाइन सर्कल्स बनाने के लिए 3 डिफरेंट साइज़ के हमें सर्कल लेने होंगे। घर में कोई भी सर्कल आपके सर्कल वाली मटेरियल थिंग्स होगी तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने कैप्स लिए हैं कलर्स की, तो आप डिफरेंट 3 साइज़ के सर्कल ले लीजिए। हम लार्ज सर्कल से स्टार्ट करते हैं ओवरलैपिंग डिज़ाइन कॉम्पोजिशन बनाना। तो मैं ब्लैक पेन से बना रही हूँ, आप पेंसिल से ट्राई करेंगे। ये लार्ज बिग सर्कल लिया हमने फर्स्ट, अब सेकंड भी हम बिग ही लेंगे। अब हम मीडियम साइज़ का सर्कल लेंगे, सेकंड साइड साइज़ ये लार्ज है, मीडियम एंड लास्ट लेंगे स्मॉल, ये मीडियम साइज़ लेंगे हम। ये यहाँ पर हमने सर्कल लिया है फर्स्ट, फिर सेकंड ड्राइंग यहाँ की हमने सर्कल की, एंड थर्ड मीडियम साइज़ का सर्कल यहाँ लिया है। ओवरलैपिंग हम इसे ही बोलते हैं, मतलब हमने फर्स्ट सर्कल के ऊपर दूसरा ओवरलैप किया है, इसको हम ओवरलैपिंग बोलेंगे। जैसे आपको ये लाइन दिख रही है, एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल हमने ड्रॉ करा है, वो ओवरलैपिंग डिज़ाइन कहलाता है। इस तरह से जैसे इस सर्कल के ऊपर मैं दूसरा ये वाला कैप रखकर सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ, वो ओवरलैपिंग हो जाता है हमारा। ये हमने इस तरह से सर्कल को आपस में ओवरलैप कराया एक दूसरे से, तो ये हमारा सर्कल ओवरलैपिंग डिज़ाइन रेडी हो गया है। अब हम कलरिंग करेंगे इसके अंदर। तो मैं आपको कलर करने से पहले आपको मैं बताना चाहती हूँ सब न्यू कलर्स के बारे में, जैसे हमारे प्राइमरी कलर्स एंड सेकेंडरी कलर। प्राइमरी कलर वो होते हैं जो नेचुरल होते हैं, प्योर कलर होते हैं। जैसे रेड कलर है, ये हमें फ्लावर से मिलता है, फ्रूट से मिलता है, नेचुरल फ्रूट से मिलता है। रेड कलर के फ्रूट्स होते हैं उससे मिलता है, फ्लावर से मिलता है कलर। येलो कलर है, ब्लू कलर है, तो ये हमारे नेचुरल कलर है। और अब हम सेकेंड, जैसे इसको हम प्राइमरी कलर बोलते हैं, एंड सेकेंडरी कलर वो होते हैं जैसे रेड एंड येलो। रेड एंड येलो आपस में दोनों मिक्स करेंगे हम तो हमारा ऑरेंज कलर बनेगा। जैसे रेड में हम रेड कलर में येलो मिक्स करेंगे, टोन हमारी लाइट हो जाएगी रेड की, वो चेंज हो जाएगा कलर येलो कलर में। इस तरह से हम ब्लू कलर लेते हैं, ब्लू एंड येलो, ब्लू के अंदर हम येलो मिक्स करेंगे तो हम ग्रीन कलर बनाएंगे। इस तरह से इसको हम सेकेंडरी टोन बोलेंगे। ये फर्स्ट टोन है, फर्स्ट हमारा प्योर कलर है, दोनों को मिक्स करने से बनेगा हमारा ग्रीन सेकेंडरी कलर। इसी तरह से हमारा प्राइमरी कलर से हम लेंगे रेड, एंड प्राइमरी कलर से ही हमारा आएगा ब्लू। रेड एंड ब्लू मिक्स करने पर हम बनाएंगे वायलेट कलर, यानी कि पर्पल कलर। ब्रिंजल का कलर होता है पर्पल, बैंगनी कलर उसको हम वायलेट कलर बोलते हैं। तो ये देखिए आप प्राइमरी कलर कौन से हैं हमारे, रेड येलो ब्लू, एंड सेकेंडरी कलर जो हमारी सेकेंड टोन है, रेड एंड येलो से ऑरेंज बना, इसे हम सेकेंडरी टोन बोलेंगे। ऑरेंज ग्रीन एंड वायलेट, ये हमारा है सेकेंडरी टोन। तो चलिए अब कलरिंग स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन में अब मैं ओवरलैपिंग डिज़ाइन में सबसे पहले मैं ब्लू कलर उठाती हूँ। इस वाले सर्कल में हम लार्ज सर्कल में ब्लू कलर करेंगे। फटाफट हमने सर्कल की लाइन से आउट नहीं करना है कलर, फिनिशिंग के साथ कलरिंग स्टार्ट करनी है। यहाँ मैं पेंसिल कलर्स यूज़ कर रही हूँ। आप क्रियॉन्स कलर, पेंसिल कलर्स, कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे नेक्स्ट सेकंड सर्कल में मैं येलो कलर मिक्स करूँगी, येलो कलर फिल कर रही हूँ मैं इसमें। सर्कल से आउट नहीं जाना चाहिए कलर, फिनिशिंग का मेन हमें ध्यान रखना है अच्छे से। अब मैं यहाँ पे
अब मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी येलो एंड ब्लू कलर में ओवरलैपिंग, कलर्स में ओवरलैपिंग हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर कैसे बनाएंगे। यहाँ पर हमने ओवरलैपिंग करी है, ये ओवरलैपिंग वाली साइड में हमने यहाँ पे येलो कलर फिल करना है। ये पूरा सर्कल था, यहाँ पे ओवरलैप था, अब ओवरलैपिंग में यहाँ सर्कल फिल करूँगी। अब मैं यहाँ पर इसके ऊपर येलो के ऊपर ब्लू कलर करके दिखाऊंगी आपको, उससे आपका ग्रीन कलर बनकर रेडी होगा। जूम करके दिखाएं इस कलर को, ये आपका येलो, सॉरी ये येलो एंड ये ब्लू कलर है, दोनों को मिक्स करके ग्रीन कलर यहाँ बनाया हमारा। अब हम यहाँ रेड कलर करेंगे। ये रेड कलर हमने अच्छे से फिल कर दिया है, वाइट पार्ट कहीं नहीं छोड़ना है, आपको भी ध्यान रखना है इस बात का। अब मैं आपको यहाँ पर ओवरलैपिंग बताऊँगी कलर में, सेकंड टोन बनाना सिखाऊँगी यहाँ पर। तो हमने क्या बताया था आपको, रेड में अगर हम येलो मिक्स करेंगे हमारा ऑरेंज कलर बन जाएगा। तो हम यहाँ पे ऑरेंज कलर नहीं करेंगे, हम ऐसे ही बताएंगे आपको बेसिक से। तो मैं यहाँ पर येलो कलर करूँगी, रेड कलर करूँगी मैं। अब रेड कलर में हम यहाँ पे येलो कलर करेंगे तो हमारा कलर बनेगा ऑरेंज कलर। ये देखिए चेंज होना स्टार्ट हो गया है कलर। जैसे मैंने आपको बताया था अभी सेकेंडरी कलर, तो ये हमारी बनी है सेकेंडरी टोन। ये यहाँ पे ग्रीन हमारा सेकेंडरी टोन था, अब हमारा येलो एंड रेड मिक्स होकर ऑरेंज सेकेंडरी टोन बन गया है। इस तरह से यहाँ पे हमने इसी सर्कल में ब्लू करना है। ये ब्लू कलर अच्छे से फिल हो गया हमारा। अब यहाँ पर मैं आपको सेकेंडरी टोन बताऊँगी क्या बनाएंगे हम यहाँ पे। क्या बताया था हमने पहले, रेड एंड ब्लू मिक्स होने से दोनों का फर्स्ट टोन, दोनों को मिक्स करने पे हम वायलेट कलर बनेगा, पर्पल कलर हमारा। तो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे हम रेड ओवरलैपिंग साइड में, अब रेड कलर के ऊपर मैं आपको ब्लू कलर करके दिखाऊंगी। ये ब्लू कलर है मेरे पास, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पर्पल कलर बन गया है। यहाँ भी हम इस सर्कल में रेड कलर करेंगे। ये हमारा लास्ट चल रहा है अब ओवरलैपिंग पूरे सर्कल में। हमने यहाँ पे ये आपको दिखाने के लिए मैं बाद में करती हूँ, पहले भी हम पूरा सर्कल कर सकते हैं रेड, उसके ऊपर येलो कर सकते हैं इस पार्ट पे, ओवरलैपिंग पार्ट पे। अब हम येलो कलर करेंगे। तो आज हमने सीखा है ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग क्या होती है, और हमने सीखा है प्राइमरी कलर सेकेंडरी कलर। तो हमारी कॉम्पोजिशन रेडी हो गई है ओवरलैपिंग डिज़ाइन की। आप भी इसी तरह घर पे ट्राई करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। बस आज हमारा काम कंप्लीट हो गया इतना। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।